क्लास टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक एंड टेक आउट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. स्टूडेंट टुडे वी विल रिवाइज टू टॉपिक. वन इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड सेकंड इज वर्ड एंड रूल. सो सबसे पहले ना सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सो रीड द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. वर्ड्स का वो ग्रुप जिससे एक कंप्लीट सेंस बनती है, मतलब एक बात बनती है, पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. बेटा आपको यहाँ पर सेंटेंस के काइंड्स बताने, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब इनका क्या मीनिंग होता है? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें एक जो एक सीधी बात कही जाती है, मतलब वो सेंटेंस जो एक कुछ चीज़ को बिल्कुल डायरेक्ट बता रहे हैं. जैसे क्रिश इज अ गुड बॉय, क्रिश एक अच्छा लड़का है, तो ये ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस. नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस. वो कैसे सेंटेंस होता है बेटा? वो सेंटेंस जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटरोगेटिव. नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस. जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट बोली जाती है, कोई एडवाइस दिया जाता है, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, ओपन द डोर, तो ये सब कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें कोई स्ट्रांग फीलिंग या कोई एक्टिविटी एकदम से हो जाती है, सडन हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल इट इज, ये कितनी सुंदर डॉल है, तो उसमें एक फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है, तो वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, वर्ड एंड टॉनिक्स. वर्ड एंड टॉनिक्स क्या होता है? मैंने यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, आपको इनका उल्टा लिखना, मतलब ऑपोजिट लिखना है. नंबर 1 इज स्माइल. स्माइल मतलब होता है खुश होना. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? फ्राउन, मतलब दुखी होना. नंबर 2 गिव, टेक. गिव मतलब देना, टेक मींस लेना. नंबर 3 बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है उसको हम बेस्ट बोलते हैं, जो बस मतलब बुरा. नंबर 4 वर्क. वर्क मतलब काम और प्ले मतलब खेलना. एम्प्टी फुल. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्प्टी? एम्प्टी मतलब एम्प्टी का एंटोनिम क्या है? फुल. एम्प्टी मतलब खाली और फुल मतलब भरा हुआ. फैट थिन. फैट मींस होता है मोटा एंड थिन मींस पतला. हार्ड ठोस, सॉफ्ट मुलायम. नंबर 4. नंबर 8 बॉय. बॉय मींस लड़का. एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बॉय? गर्ल. लड़का लड़की. नंबर 9 क्वेश्चन. क्वेश्चन का एंटोनिम क्या बनेगा? आंसर. ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नोटबुक पर इंग्लिश ग्रामर हैज कंप्लीटेड. आई होप यू